मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार संजय शर्मा ने पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित बताते हुए कहा, आने वाली 10 मार्च को बीजेपी पंजाब में सरकार बनाएगी। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी बीजेपी जब इनेलो के साथ चुनाव लड़ा करती थी तब उस समय बीजेपी की बहुत कम सीटें हुआ करती थी, लेकिन जिस समय हरियाणा में बीजेपी ने अलग होकर चुनाव लड़ा उसी वर्ष हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। जैसे जैसे पंजाब में चुनाव बढ़ता चला जा रहा है, ये सरगर्मी तो बढ़ ही रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का खेमा भी बढ़ रहा है, और खास तौर पर आज मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा पंजाब में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे को बढ़ाने में अहम योगदान देने के लिए पहुंचे। और आज हमारे साथ मीडिया प्रभारी संजय शर्मा खास तौर पर मौजूद है। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी क्या लगता है, एक तरफ पहली बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही है 73 सीटों पर, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है हमेशा पंजाब के अंदर छोटा दल होकर के सत्ता में आने की प्रयास करती थी, और अकाली दल का एक जूनियर पार्टनर के नाते 23 सीटों पर केवल चुनाव लड़ती थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने सहयोगी दलों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में 73 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के कार्यकर्ताओं को भी मौका मिला है 30 विधानसभाओं पर पार्टी के लिए काम करने का। तो जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर काम करते हुए संगठन को खड़ा किया, सत्ता में लेकर के दो बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आए हरियाणा के कार्यकर्ता, इसी तरह से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वही बूथ रचना करते हुए घर घर जाते हुए लोगों से संपर्क करते हुए और केंद्र और हरियाणा सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हरियाणा जिस तरह से हरियाणा के अंदर सरकार ने एक परिवर्तन किया है उसी तरह की सरकार हम पंजाब में भी बनाना चाहते हैं, ये लोगों से अपील कर रहे हैं। और आप देखोगे कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, 20 तारीख फरवरी को जब वोटें टलेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का एक अलग रूप आपको पंजाब में दिखाई देगा। संजय जी, आप बहुत पुराने राजनीतिज्ञ, हरियाणा की राजनीति को भली भांति जानते हैं। किसी जमाने में बड़ा भाई इनेलो हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी अलग हुई और दो बार से सत्ता में, जैसा कि आपने कहा, तो इस बार श्रोमणी अकाली दल अलग लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही पंजाब लोक कांग्रेस और ढींडसा ग्रुप भी साथ है, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी साथ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे भुना रही है कि 4.5 साल कैप्टन साहब ने कुछ नहीं किया, 111 दिन चन्नी साहब बहुत कुछ कर गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जूनियर दल के रूप में रही है, और उसके बाद जब अपनी राजनीति की तो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे भी सरकार बनाई, और अब भी एक जूनियर पार्टनर के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में है, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के साथ। जहां तक कैप्टन अमरिंदर जी की बात है, कैप्टन अमरिंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनलिज्म के मुद्दे पे आए हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आए हैं। जिस तरह से ये पंजाब जो एक बॉर्डर का स्टेट है, डिस्टर्ब स्टेट है, यहाँ पर बहुत जरूरत है एक स्थायी सरकार की, एक तरक्की की और आपसी भाईचारे की। उस भाईचारे को मजबूत करने के लिए कैप्टन अमरिंदर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, ढींडसा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के रूप में सत्ता में आ रही है, और डबल इंजन की सरकार पंजाब में भी बने, केंद्र का और पंजाब का आपस में सहयोग हो, ताकि पंजाब जो एक बीमारू राज्य बन गया है, जो कर्जे वाला राज्य बन गया है, और जहां कुछ इस तरह की ताकतें सिर उठा रही हैं जो पंजाब के लिए अच्छा नहीं, पंजाब के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, उन सबको समाप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सत्ता में लाना जरूरी है। मेरा आखिरी सवाल, आज बॉलीवुड अदाकारा माही गिल और पंजाबी बॉलीवुड इंडस्ट्री से हॉबी तालीवाल दोनों भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्या लगता है पंजाब बीजेपी को कितना बल मिलेगा? बहुत बल मिलेगा, केवल ये दो अदाकार आज आए हैं, इसके अलावा बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के लोग, सामाजिक लोग, बहुत से पॉलिटिकल लोग, बड़े बड़ी राजनीतिक पार्टियों के एक्स एमएलए, वर्तमान एमएलए, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। सबको लग रहा है कि पंजाब की सुरक्षा केवल एक पार्टी के हाथ में है, एक नेता के हाथ में, वो नेता है नरेंद्र मोदी, और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हर किस्म का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ संजय शर्मा जी, और खास तौर पर उन्होंने कहा कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को जब मतपेटियां खुलेंगी तो पंजाब के लोग 20 फरवरी को मतदान कर जीत का परचम भारतीय जनता पार्टी ही लहराने वाली है। इस पर हमारी खास नजर बनी रहेगी, आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ से।